बिहार पुलिस मुख्यालय में तैनात एक सिपाही की उसी की भाभी ने जमकर पिटाई कर दी है। दरअसल पीड़ित महिला ने साफ तौर से अपने ही देवर पर आरोप लगाया है कि उसके पति के मौत के बाद उसके देवर ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, शादी का झांसा दिया और अब वह दूसरी शादी करने जा रहा है। वहीं सिपाही ने भी अपनी भाभी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शादी का दबाव बनाकर उसकी भाभी उससे 20 लाख रुपए ऐंठना चाहती है और इसी कड़ी में दबाव बनाकर आज उसकी भाभी और उसके भाई ने उसके साथ बीच सड़क पर मारपीट की है। हाँ, वहीं पे मेरा डेरा है, मैं 27-28 नंबर पिलर है, वहीं पे मेरा डेरा है, वहीं से हम जा रहे थे ड्यूटी जाने के क्रम में, रास्ते में ही ये किया है। आखिर क्यों आपका अपहरण हो रहा है? ये भाभी कर रही थी, अपहरण कर रही थी, पैसा के उद्देश्य से। कितना? 20 लाख। क्यों मांग रही थी? मांग रही थी, हम लोग पे केस किया हुआ है, केस का कि अब तुमको मैनेज कर देंगे, छोड़ देंगे, हमको पैसा दो। हमारे घर वाले पे सभी पे केस है, घर वाले पे सभी पे जान से मारने का और दहेज प्रथा का केस है हमारे ऊपर, झूठी यौन शोषण। भैया क्या करते थे आप? भैया बिजनेस करते थे। किस चीज़ का? घर में ही मिल का दुकान था। और रक्षाबंधन 2020 में भाभी के यहाँ गए हैं। कब मृत्यु हुई? 2020 रक्षाबंधन का। हाँ, घर में वो गए भाभी के यहाँ, रात में रक्षाबंधन का कार्यक्रम हुआ, सुबह फोन आया कि आपके भैया डेट कर गए हैं। हम लोग पूछे किस वजह से डेट किए, तो पता नहीं है। हम लोग बोले कि आप पोस्टमार्टम करवाइए, तो ये लोग पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। ये सब जान मार दिया है जानबूझकर। अच्छा। हमारी भाभी का ऑलरेडी पहले भी एक शादी हो चुका था। क्या लगता है आपको मारने की साजिश थी? क्या लगता है आज आपको? हाँ, हमको भी ये अपहरण वही उद्देश्य था, 20 लाख रुपया डिमांड था और नहीं देते तो हमको भी जान मार देता। वो तो वहाँ पे हल्ला किए, शोर शांग हंगामा किए, तो अगल बगल के लोग आए। आरोप लगा रही है अभय इसमें, झूठा है। मामला न्यायालय में चल रहा है, मामला न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय में हम लोग बेल पे हैं। दबाव बना रही है कि पैसा दो, दबाव बना रही है हम लोग पे। अगर वो अगर हमारे ऊपर कुछ एविडेंस रहता, ये रहता, तो हम लोग को कोर्ट में ही हो जाता ना, हम लोग बेल पे हैं। शादी कब हुई थी? 2017 में हुआ था। पति कब एक्सपायर? 2020 में। कैसे? कोरोना काल से डेट किए थे। कोरोना से? हाँ। इन लोगों का तो आरोप है कि जहर देके मारा गया। तो पोस्टमार्टम हम बोले सर करवा लीजिए, तो कहाँ नहीं करवा लिया सर, हमको घर वाला पूरा दबाव दिया पोस्टमार्टम करवाया, बाकी नहीं करवाया। तो उसको क्या करते थे? मेरा तेल मिल के दुकान है। कहाँ पे? रहुए में है। रहुए में? हाँ। आज क्या हुआ था कि हम इधर से जा रहे थे, वो रास्ता में आ रहा था, तब मिला तो भैया मेरा हाथ पकड़ लिए, तो बोला छोड़ो बहन, चोर माधर चोर, छोड़ो तुम। हाँ, गाली बकने लगा, उसके बाद बकने लगा, बोला तुम बहन का कमाई खाते हो, छोड़ो तुम बहन चोर बहन। मारपीट मतलब वो हमको हाथ पकड़ा, भैया मेरा हाथ पकड़ा, तो वो हमको हाथ पकड़ा, तो चूड़ी फूट गया, तो उसका हम जेब ही पकड़ लेते, जेब पकड़े ना, तो उसका जेब ही वैसे किया ना, तो छीट गया उसका जेब, तो छीट गया, तो हमें जेब पकड़ने रह गए। फिर बहुत सा एक दो आया पसा वहाँ पर, तो दो तीन था उसको मार दिया कोई दूसरा कोई। अब वहाँ पर हम चिन्हने तो नहीं लगी है, मेरे भैया थे, हम थे, कोई नहीं थे, और नहीं थे, कोई नहीं थे, तो नहीं नहीं, एक मेरा भाभी थे, तो बउआ के लिए हुए थे बस। नहीं, हम बस से आए थे। हाँ, बस से। गाड़ी आपने कहाँ से बुक किया? नहीं, गाड़ी हम बोले कि लाइए स्कॉर्पियो, कोई गाड़ी लाइए, कोई मीडिया वाला कोई किसी को बोलाइए, टेम्पो लाया, तो बोला कि नहीं आपको गाड़ी पर नहीं चढ़ेंगे, हम दूसरा गाड़ी पर जाएंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसका शादी रोका, हमें कोर्ट फैसला नहीं देगा जब उसका शादी नहीं होगा। अवैध संबंध का आप आरोप लगा रहे हैं अपने देवर पर? हाँ, मेरा साथ ऐसा कर लिया, तो कहे नहीं कर आरोप लगाए, गलत थोड़ी लगा रहे हैं, हमें सही लगा रहे हैं। न्याय हमको जो कोर्ट फैसला देगा वही होगा। आज 112 नंबर पे कॉल आई थी, जिसके दरमियान हमारे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी गए थे। बुद्धा स्मृति पार्क के पास दो व्यक्ति आपस में, एक महिला पुरुष लड़ रहे थे, तो जिसे लाया गया थाना पे पूछताछ के क्रम में, लड़के ने बताया कि ये इनकी भाभी हैं और ये उनका देवर हैं, और वो लड़का वर्तमान में सिपाही के पद पर बिहार पुलिस में ही मुख्यालय में कार्यरत है। जब हम लोगों ने उससे पूछताछ की, पहले तो महिला से ही पूछा हमने, तो महिला ने बताया कि वर्ष 2019 में उनके पति का देहांत हो गया, और देहांत के बाद ये अपने ससुराल में रह रही थी। उसी बीच में इसके देवर के साथ इसका संबंध बना, फिजिकल रिलेशनशिप में ही लोग रहे, जैसा लड़की का बताना है, जिसके संबंध में उसने माननीय न्यायालय में 2022 में एक मुकदमा भी दर्ज किया, यौन शोषण प्रताड़ना के संबंध में, जिसमें ये लड़का वर्तमान में जमानत पर मुक्त है। और इधर 10 तारीख को इस लड़के की शादी होने वाली है, जिस कारण ये लड़का इन दिनों घर पे भी नहीं रह रहा था,
और ये लड़की परेशान थी कि जब हमारे साथ संबंध था और कोर्ट में मामला भी विचाराधीन है तो ये शादी कैसे कर सकता है। इसी के लिए उसको खोजा, संजोग से इसकी मुलाकात वहाँ हो गई, उसी में आपसी दोनों की बहस हुई है। बहस के बाद पुलिस को खबर किया, मारपीट भी हुई है। मारपीट की कोई बात नहीं है, दोनों से देवर भाभी में वहाँ बहस हुई है, उसी में नोकाझोंकी हुई है। आगे क्या कार्रवाई हो रही है? दोनों तरफ से आवेदन लेने के बाद हम आगे की बात बता पाएंगे कि दोनों में क्या लिख के दे रहे हैं। उस आवेदन के प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लड़के का नाम, पूरा मामला पटना के कोतवाली थाने में दर्ज हो गया है और पुलिस इस पूरे मामले के अनुसंधान में जुट गई है। कोतवाली थाना प्रभारी ने साफ किया है कि दोनों पक्षों के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर फिलहाल कार्रवाई जारी है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज 24 पटना।